लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो मैडम, हाउस रॉबरी फाइल की वेरिफिकेशन हो गई है। उन्होंने रिपोर्ट स्टेशन भिजवा दी है। किसके पास दी है? मैं चेक करके बताता हूँ मैडम।
किसे दी है? मैडम हेड कांस्टेबल को दिया है। ओके। Hey, what's happening? Bro, wait. So you don't have any rights to seize our instruments? Bro, wait. गलती हो गई सर, दे दीजिए ना प्लीज। तुम्हारे बाप की रोड है क्या? सारा ट्रैफिक जाम करवा दिया तुमने। फाइन भरो और अपना बैंड बाजा लेके जाओ यहाँ से। कौन है ये? गांजा पी के आया है क्या? Yes, I smoke weed. So what? सर प्लीज सर, जाने दीजिए ना। अच्छे कॉज के लिए कर रहे थे। क्या हुआ है? सर्कल में खड़े होके सर्कस कर रहे थे, फुल ट्रैफिक जाम कर दिया। जाने दो इन्हें। सर सर्कस नहीं है सर, रॉक बैंड है हमारा। वो सब नहीं जानता, रोड पे ट्रैफिक जाम करके कथक कर रहे थे ना। सर वो रॉबरी केस कहां तक पहुंचा? सर वो मेरा केस नहीं है, किसी और के केस की मैं सिर्फ रिपोर्ट फाइल कर रही हूँ। फाइल वेरीफाई होके आ गई है सर, मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। क्या बोल रही हो, एक छोटी सी चोरी के केस के लिए तुम्हें टाइम चाहिए? पहले तुम टाइम पर आना सीखो इंदिरा। लिखा पढ़ी तो करनी होती है, जल्दी आके क्या करूं सर? क्या ये, एक तो तुम लेट आती हो, ऊपर से कोई रीजन नहीं दे रही हो। दैट शोज हाउ इनडिसिप्लिन यू आर। सर प्लीज मुझे एक केस तो दीजिए सॉल्व करने के लिए, तब पता चलेगा मैं कितनी डिसिप्लिन हूं। ठीक है, पहले इस केस को खत्म करो, उसके बाद देखेंगे। यू मे गो नाउ। हेलो सर। आइए आइए। मैडम, सर आपको बुला रहे हैं। केस दो कह के जान खा रही थी ना, कल रात को एक सुसाइड केस की कंप्लेंट हुई है, ये रहा उसका एड्रेस। ए, पहले बात तो सुन लो, ये तुम्हारा पहला केस है, इसलिए ज्यादा होशियारी मत करना। दिन में हजारों आत्महत्या के केस दर्ज होते हैं, हर एक को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। डू व्हाट आई से, विक्टिम को आइडेंटिफाई करो, बॉडी को फैमिली को हैंड ओवर कर दो, दैट्स इट। सर। अरे यार, किरण। ए मैडम, ये चाबी घर के हर ताले पर चेक करो। ठीक है मैडम। किरण। हाँ मैडम। क्या हुआ? हाँ मैडम, ये की घर के किसी भी दरवाजे कपबोर्ड पर फिट नहीं हो रही है। ठीक है, फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है। और वहां पड़ी चेयर को देखो, उसमें एक च्युइंगम चिपकी है, उसे भी चेक करवाओ। ओके मैडम।
Are you the witness? क्या मैडम? मैडम, इसे इंग्लिश नहीं आती। ये सबसे पहले तुमने देखा? नहीं मैडम, वो नाइट वॉच में ने देखा था। इस फ्लोर पर कितने लोग रहते हैं? ये फ्लोर अभी तक बंद ही है मैडम। हाँ, लेकिन बहुत से घरों में पेंटिंग और कारपेंट्री का काम चल रहा है मैडम। तो ये कौन है? घर का मालिक है? पता नहीं मैडम, सिक्योरिटी चीफ से पूछना पड़ेगा। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ओके मैडम। मैनेजर से फ्लैट ओनर की डिटेल्स कलेक्ट करो। ठीक है मैडम। इससे पहले नाइट वॉचमैन ने देखा था ना? हाँ। उसे सिक्योरिटी चीफ के साथ स्टेशन पर आने को कहो। आ जाएंगे मैडम। आ जाओ। यह है अपार्टमेंट मैनेजर। नमस्ते मैडम। हे, बैठ जाओ ना। मैडम, यही है वो नाइट ड्यूटी वाला वॉचमैन। बताओ मैडम को क्या हुआ था? मैडम, रात के लगभग 12 बजे का समय होगा। मैं हर रोज रात को उस समय राउंड मारता हूँ। अमावस्या की रात थी, बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन काम तो करना पड़ता है। छठी मंजिल पर जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर मुझे एक अजीब सी बदबू आने लगी। अंदर क्या है देखने के लिए मैंने दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं अपनी चाबी से दरवाजा खोल रहा था, तभी लाइट चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने अपना टॉर्च ऑन किया और अंदर चला गया। मैंने देखा कि वो पंखे से लटक रहा था। उसे देखते ही मुझे बहुत डर लगा और मैं भाग गया। मुझे बुखार चढ़ गया, अभी तक उतरा नहीं है। सॉरी मैडम, कंप्यूटर की केबल मैंने ही निकाली थी ताकि कुछ भी रिकॉर्ड ना हो। बचपन में हमारी पूरी सोसाइटी में सिर्फ एक ही घर में टीवी था मैडम। बचपन से ही मुझे टीवी देखने का बहुत शौक था। हर रविवार को शाम 6 बजे एक प्रोग्राम देखता था। उसे देखने के लिए हम सब 4 बजे से ही लाइन में खड़े होते थे। मैं कितनी भी कोशिश करता तो भी मेरा काम 5:30 बजे खत्म होता था। उस समय कहीं बैठने को जगह नहीं मिलती तो मैं खिड़की पर बैठ जाता था और मुझे वहां से भी भगा देते थे, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था ना, इसीलिए टीवी भी नहीं देख पाता था। तब मैं सोचा करता था, मैं भी एक दिन अपने घर में सोफे पर पैर फैलाकर बैठूंगा और टीवी देखा करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज मैं अपने घर में नीचे बैठकर टीवी देखता हूँ। इस उम्र में भी सिर्फ 10,000 रुपये कमाता हूँ, उसमें घर चलाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। आप ही बताइए मैडम, मैं अपना सपना कैसे पूरा करता? समय बचाकर अपना सपना पूरा करने के लिए चुपके से किसी भी अपार्टमेंट में जाकर टीवी देखता हूँ, लेकिन मैंने किसी भी घर से 1 रुपया भी नहीं चुराया है। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है मैडम। सर, आप ही कुछ बोलिए ना। कोई आप बात तो नहीं। मुझे जानते हैं ना, मैंने कुछ नहीं किया है। आप कुछ बोलिए ना सर। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा विश्वास कीजिए। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ मैडम। मैडम, अभी भी अपार्टमेंट में कई जगह कारपेंटरी और पेंटिंग का काम चल रहा है मैडम, बहुत काम बाकी है। घर देखने आने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए घर की एक चाबी हमने सिक्योरिटी गार्ड को दे रखी है मैडम। ये चाबी हमेशा इन्हीं लोगों के पास रहती है। रोज शाम को 6 बजे चेक करने के लिए राउंड मारते हैं। उसके बाद नाइट ड्यूटी वाले भी चेक करने के लिए राउंड मारते हैं मैडम, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कोई गलत हरकत नहीं करेंगे मैम। सीसीटीवी इंस्टॉल करके 2 ही दिन हुए हैं, जिसके फुटेजेस आपको दे दिए हैं। आपको चाहिए तो हम रजिस्टर भी दिखा देते हैं। मैडम, फ्लैट ओनर्स की डिटेल्स इसमें है, लेकिन वो कनाडा में रहता है मैडम। 6 महीने पहले ही उसने ये खरीदा है। मुझे नहीं लगता कि मरने वाला उनका रिश्तेदार है। क्या हम जा सकते हैं मैडम? हाँ, आप जाइए। मैडम, ये पक्का मर्डर केस है। मर्डर इसी ने किया होगा। बॉडी के पास चेयर गिरी थी, देखा नहीं? और बॉडी से बदबू भी आ रही थी। रवि,
वो ऑर्केस्ट्रा वाले कहाँ गए? उनमें से किसी के पिता ने पैसे देकर बेल करवा ली मैडम। आप क्या हुआ? सर सुसाइड केस में वॉचमैन पर डाउट है सर, उसे कस्टडी में लिया है। जरूरत क्या है? ठीक है, उसे दो दिन अंदर बंद रखो, बाद में छोड़ देना। ठीक है सर। अच्छा, बॉडी आइडेंटिफाई हो गई क्या? हो रही है सर, प्रोसेस में है। पहले वो काम करो ना, कुछ भी करती रहती हो। कर लूंगी सर। हेलो, कुछ पता चला क्या? मैडम, बॉडी एनालिसिस करने के बाद इट लुक्स लाइक सुसाइड टू मी। उसे मरे हुए दो तीन दिन तो हो ही गया, बट आई एम नॉट श्योर। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। पोस्टमार्टम कब होगा? जल्दी हो जाएगा। विक्टिम के मोबाइल और वॉलेट को हमने स्टेशन भिजवा दिया है। ओके, थैंक यू। ओनर की डिटेल्स चेक करो, एड्रेस का भी पता लगाओ और कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। ओके मैडम। बोलो माँ। क्या कर रही हो? एक जगह बैठकर रिपोर्ट्स फाइल में लगा रही होगी और कुछ नहीं है ना? अरे नहीं माँ। चुप रहो, मुझे ही सब अकेले करना पड़ता है। एक सेकंड रुकिए माँ। मैडम, सिम कार्ड इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, पर घर बंद है मैडम। नेबर से इंक्वायरी की क्या? कर ली मैडम, कोई भी नहीं जानता था उसका असली नाम प्रशांत है, वो यहाँ भाड़े पर रहता था। ठीक है, तुम आस पास देखो, अंदर कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर पे है मैडम। फर्स्ट फ्लोर ना? हाँ। लाओ दो, तुम जाओ। ओके मैडम। हाँ सॉरी, बोलो माँ। क्यों री? मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ, उसे रोक के तूने मुझे होल्ड पर रखा। अच्छा, टेलर बनना कितना मुश्किल है पता भी है? सॉरी, गलती हो गई। बोलो। एक बुटीक को चलाने में पता है कितनी मेहनत लगती है? एक दिन मेरी जगह रह कर देखना, कपड़े खरीदो, सिलाई करो और टाइम पे उसे डिलीवरी करो। तुम्हें क्या लगता है आसान काम है ये? तुम्हारे काम से भी मुश्किल काम है ये। पहले ही एक टेलर ने काम छोड़ दिया है, अब टेलर का काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। मैं अकेले क्या क्या करूं? सुनो, मुझे एक अच्छे टेलर की जरूरत है। आजकल तो कोई अच्छा टेलर भी नहीं मिलता। तुम्हारे ताऊ रात को खाने पर आ रहे हैं, अब खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। तुम तो बस अपने काम। माँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। किरण, उस अपार्टमेंट में की मिली थी ना, कहाँ है वो? सॉरी मैडम, मैं आपको देना भूल गया था। ये क्या है मैडम, इतने सारे आधार कार्ड? ये आदमी कुछ तो गलत कर रहा था। सही कहा मैडम। यहाँ देखो, कोलार डिस्ट्रिक्ट लिखा है। ये एड्रेस देखा? यहाँ पर चेक करो, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है मैडम। किरण, एक मिनट रुको। हाँ मैडम। हेलो। हाँ, मैं एक फोटो भेज रही हूँ, उसका नाम प्रशांत है। उसकी हिस्ट्री में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है क्या? चेक करो। कौन हो तुम? ऐसे घर के अंदर कैसे घुस गई? पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करूंगा। तुम कौन हो? मैं इस घर का ओनर हूँ। किराएदार का रेंटल एग्रीमेंट तो होगा ना? उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया था क्या? वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके स्टेशन आ जाना, नहीं तो घर सील कर दूंगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट,
मैडम एंटायर डेटाबेस चेक कर लिया, प्रशांत का फोटो किसी क्रिमिनल से मैच नहीं करता है। प्रशांत के नाम पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है। हेलो, आधार कार्ड दिए थे तुमने, उन्हें चेक किया? वैलिड है वो? किया मैडम, सब वैलिड है। ओह ओके। इसमें सब एक कॉमन चीज नजर आई है। क्या? ये सारे आधार कार्ड्स धारावी के झोपड़पट्टी में रहने वालों के हैं। ओह, मैं वहाँ फौरन पहुँचती हूँ उन्हें कलेक्ट करने के लिए। ओके मैडम। क्या हो गया रे, पानी नहीं आया अभी तक। अभी क्या कर सकते हैं? अरे टैंकर भी इतना महंगा बेचते हैं, सुबह छोड़ रही है कि एक का पानी तो हफ्ते में एक ही दिन आता है, बाकी दिन कैसे धोने का? पानी भी समझ में नहीं आता, पूरा दिमाग खराब। इन दिनों यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है, अब धोखा देते हैं। मेरे ताऊ ने कहा 15 लाख रुपए डालूंगा। ये सीता जी कहाँ रहती है पता है क्या? हाँ मैडम, इसका घर तो यही है, आइए मैं ले चलती हूँ। वैसे मैडम आप सीता को क्यों ढूंढ रही हैं? क्या काम है? मुझे उनसे कुछ बातचीत करनी थी। अच्छा ऐसा है क्या? ये घर आ गया उसका। सीता दीदी, सीता दीदी, अरे आ रही हूँ, रुकना। आ रही होगी। हुआ, गला काय को फाड़ रही है? ये दीदी आपसे मिलने आई हैं, इसीलिए मैं इनको लेकर आई। क्या रे, क्या काम है, यहाँ क्यों आई है तू? आपके पास आधार कार्ड है क्या? हाँ है। दिखा सकती हैं क्या प्लीज? दिखाएगी, लेकिन कितना देगी ये बता। लास्ट टाइम कितना दिया था? 1000 रुपए दिए थे। दे दूंगी। ठीक है, लेकर आती हूँ। ये क्या दीदी, पिछले बार तो सबको पैसे दिए थे, इस बार सिर्फ इसको ही क्यों दे रही हो? मैं भी लेकर आती हूँ। ए लक्ष्मी, सुधा, अपना आधार कार्ड लेकर आओ, वो पैसे देने वाली किससे आई है? जाओ जाओ, जल्दी लाओ। ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा आधार। ले लीजिए दीदी, मेरा भी। पैसे मिलेंगे, पैसे। तो ये किसका है? अरे रे, तो मेरा ही है। तेरे पास कैसे आया? मेरे पास कैसे? तुम लोगों ने किसे दिया था? मुझे नहीं मालूम बहन, 1000 रुपए दिए थे इसके लिए, बोला कुछ दिन के बाद वापस दे दूंगा। यही है ना वो आदमी? हाँ ये वही तो है। हाँ यही है वो। हाँ ये वही है। हाँ ये वही है, वही है। उस पैसे से ही तो हमने टैंकर मंगवाया था। हाँ क्या है, पैसे क्या है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैडम पैसे दे रही है कि नहीं बोल। इस फोटो वाले को तुम जानती हो क्या? मुझे ये सब कुछ नहीं पता है मैडम, हमें तो बस अपने पैसे से मतलब है। मैं मेरा काम छोड़कर आई हूँ, बोल पैसे देगी कि नहीं। तुम लोग क्या बिना जान पहचान के अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को भी दे देते हो? मैं भी अपना काम छोड़कर आई हूँ, पैसे देना है तो बोल, नहीं तो मैं जाऊँ यहाँ। मैं किसी को पैसे नहीं दे रही हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो, ऐसे किसी को भी दिया मत करो। क्या रे दे, फोकट में टाइम पास करने आई, पैसे भी नहीं दिए, चल तुम जाने दो, चल चल अपना काम करते हैं। एक तो पानी भी नहीं मिला और इसे अपना झंझट लेकर यहाँ पर आ गए। Thank you.
होमवर्क करने के टाइम पर तुम खेल रही हो? मैं खेल नहीं रही हूँ, मैथ्स बहुत मुश्किल है और ये उससे भी मुश्किल है। अगर ये हो गया तो मैथ्स भी हो जाएगा। आप किसके बारे में पूछ रही हैं? जो आधार कार्ड वाला, उसके बारे में? हाँ, तुम उसे जानती हो? एक बार मैंने उसको कुंता के साथ देखा। कुंता के साथ? कौन है वो? कहाँ मिलेगा वो? नहीं पता, वो भैया खड़े हैं ना, शायद उनको पता होगा। ये भैया को? कुंटा कहाँ मिलेगा? कुंटा क्या? अरे वो किसी बार में पड़ा होगा। काम क्या था? वहाँ लेके जा सकते हो? मैं अंदर जाके देखता हूँ कि वो है कि नहीं। मैडम अंदर कुंटा तो नहीं है? हाँ, लेकिन उसका बेवड़ा दोस्त जरूर बैठा है। कौन है वो? अंदर टेबल पर अकेला जो बैठकर पी रहा है ना, वो ही उसका दोस्त है मैडम। ओके। कुंटा को तुम जानते हो क्या? मैं नहीं जानता, वो मेरे साथ बैठकर सिर्फ दारू पीता है। कहाँ पर मिलेगा ये कुंटा? अब समय हो गया है, वो आता ही होगा। फोन करके पूछो कहाँ है वो। उसके पास बहुत सारे नंबर हैं मैडम, किस नंबर पे फोन करूँ आप ही बताइए। क्या करता है वो? फिलहाल तो वो कुछ भी नहीं करता है, और जो करता है वो करना नहीं चाहिए। ऐसा क्या करता है? गांजा, शू पॉलिश, ब्राउन शुगर, ये सब चीजें तो कुछ नहीं, स्कूल के बच्चों को आइसक्रीम में भी। ये सब काम वो अभी भी करता है? वो तो सिर्फ प्यादा है, उसके बॉस ने ये सब छोड़ दिया, इसीलिए तो निकम्मा है। बॉस है? कौन है वो? उसका बॉस और कौन होगा मैडम। मुनिरत्ना, इस बार का ऑनर। एक और शब्द बोला ना तू, मुंह में जुबान नहीं रहेगी तेरे। तुम बोलते रहो। अरे तू बोल के तो दिखा, देख क्या करता हूं। तुम आगे बताओ, और क्या करता है ये बॉस? मुंह खोला ना तो यहां से जिंदा नहीं जाएगा तू। तुम बोलो। छोटे, लगता है बहरा हो गया है, मार खा के ही सुनेगा। भाई, इस बार भी तू ही पहले जाएगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु देवो, गुरु विष्णु महेश्वरा, हर बार गुरु को ही शुरुआत करनी पड़ती है। बोलो। इस लेडी को यहाँ किसने बिठाया? भाई वो। चुप कर बे, अकल नहीं है क्या? देखो मैडम, मेरे बारे में कुछ जानना है तो मुझसे पूछो ना, मैं बताऊंगा। बिना मतलब इधर उधर मत जाओ आप। मैं अब बिल्कुल बदल गया हूँ, मैंने अभी आने वाले इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ मैं इस बार को चलाता हूँ। दूसरे बार्स में कोई कायदा कानून नहीं है, आप थोड़ी देर रुकिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इस लड़के को देखिए, ये है कुंटा, इससे पूछ लीजिए जो पूछना है। प्रशांत को जानते हो तुम?
इसको नहीं पहचानते? देखिए मैडम, औरत को यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। जो पूछना था पूछ लिया ना, अब जाइए। ध्यान से देखो, तेरी शक्ल को मैं भूलूंगी नहीं। प्रशांत कौन है और वो क्या करता था ये जान के रहूंगी। अगर उसका और तेरा कोई संबंध निकला तो याद रखना। तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? दूसरे ज्यूरिडिक्शन वाले कॉल कर रहे हैं मुझे। उस बार में सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? एक बात बताओ, दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में जाकर वहां इन्वेस्टिगेशन करने से पहले अपने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करने का कॉमन सेंस नहीं था? बॉडी आइडेंटिफाई हुई क्या? पहले वो करना था। एक आधार कार्ड क्या मिल गया और सीधे बार में चली गई? भाई साहब बस कीजिए, अगर आप इतना पियेंगे तो घर मत जाइए, यहीं रुक जाना। ए, नहीं नहीं, मुझे घर जाना है। बीवी को बोल के नहीं आया हूँ, नहीं पहुंचा तो गुस्सा हो जाएगी। रात को घर से बाहर रहा तो शी विल किल मी। सैम, इफ यू डोंट प्ले दिस गेम विद मी, आई एम गोना किल यू। ऑफ कोर्स यू हैव द लाइसेंस टू किल। इंदिरा, देख बेटा मैं सोने जा रही हूँ, अपने ताऊ को ज्यादा मत पीने देना समझी, इन्हें घर भी वापस जाना है। ठीक है, तुम जाके सो जाओ, मैं ये गेम आराम से खेल के निकलूंगा। सो कैसी चल रही है रिटायर्ड लाइफ? नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, जीरो एक्शन। तुम्हें क्या लगता है? तुम बताओ, तुम्हारी लाइफ की तो शुरुआत हुई है ना, सो टेल मी। वेल, मैं बहुत खुश थी, पहला केस मिला। फिर? इट्स सुसाइड केस सैम, लेकिन मर्डर का भी मोटिव हो सकता है। पर उसने आत्महत्या क्यों की वो समझ नहीं आ रहा मुझे। सुसाइड इज अ वेरी पर्सनल थिंग बेटा। फिर तो वो कायर हुआ ना? कुछ बोल नहीं सकते। यू टेक द केस ऑफ रॉबिन विलियम्स, फिनोमिनल कॉमेडियन। वो सबको हंसाता था। उसके पास सब कुछ था, सो व्हाई? वैसे मैं ऐसे ही किसी को जानता हूं, वो भी बहुत खुश दिखता था, रात में बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन सुबह होते ही ही वाज गॉन, सुसाइड। वो क्यों? वो क्यों? वो तो मैं नहीं जानता था, वही जानता था। उसे अंदर से क्या खा रहा था पता नहीं, क्यों हमें उनकी तकलीफें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन उनके लिए पहाड़ होती हैं। हर व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व क्यों, कैसे, किसे पता, सिर्फ वही समझते हैं। चेकमेट। स्मार्ट गर्ल, बट आई एम हैप्पी। आर यू? यू जस्ट लॉस्ट। वो तुमने मुझे जिस तरह से घेर लिया, मुझे मेरे भाई की अचानक याद आ गई। तुम्हारे पापा, उसी ने मुझे चेस खेलना सिखाया था। डू यू नो, उसे भी मिलिट्री में जाना था। क्योंकि मैं बड़ा था इसलिए मैंने पहले ज्वाइन कर लिया। हमारी मां को अपने दोनों बेटों को मिलिट्री में नहीं भेजना था, इसलिए उसे जाने नहीं दिया। अगर वो अभी तुम्हें देखता तो बहुत खुश होता। He would have been very happy. One more game. नहीं बेटा, मुझे चलना चाहिए, बहुत हुआ, अभी घर जाता हूं। I have already had my last one for the road. सुनो, केस कोई भी हो,
उसके लिए अपना दिमाग मत खराब करना. यू टेक केयर. गुड नाइट. Is it Mr. Sachin? Yeah. May I know who is this? I'm Indra from Crime Branch Department. Prashant ko aap jante hain kya? Kaun Prashant? Gupta Builder se aapne ek apartment kharida hai na? Haan to. Prashant ne wahan suicide kiya hai. Kya? Mere flat mein? Prashant? Oh yes. Usi ne to mujhe flat dilwaya tha. He was an agent. Mere flat mein paint aur interior ka kaam bhi wahi dekh raha tha. Prashant Gupta Builders ke liye kaam karta tha? Shayad se. प्रशांत के बारे में कुछ और पता है आपको? फ्लैट खरीदना है ऐसा पोस्ट डाला था, तभी वो मेरे टच में आया. उसके बाद ही आई हैव परचेज्ड द फ्लैट. ओह, ओके, थैंक यू. हेलो हेलो. कोलार से क्या पता चला? प्रशांत की फैमिली से मिला मैडम. वो लोग बहुत सीधे. वो एक लौता था घर में कमाने वाला, लेकिन उनको भी नहीं मालूम वो क्या काम करता था. महीने के पहली तारीख को वो पैसे भेज देता था. प्रशांत के साथ क्या हुआ उसकी फैमिली को बताया? अभी तक नहीं मैडम. 10 दिन पहले ही फोन पर उससे बात हुई थी. वो लोग उसके दोस्त को मधु नहीं मनी से बात करने वाले थे, और उसे भी फोन किया था पर स्विच ऑफ आ रहा था. ठीक है, प्रशांत के परिवार को बता के उनको बॉडी सौंप दो. ठीक है मैडम. मनी के बारे में बता रहे थे ना, उसके बारे में भी इंक्वायरी करो. ओके मैडम. और वो जो पेंटर्स है ना, जो गुप्ता बिल्डर्स के यहाँ काम करते हैं, उनसे भी इंक्वायरी करो. ठीक है मैडम. प्रशांत नाम का कोई आदमी यहाँ काम नहीं करता. आपकी कोई और ब्रांच है? हमारी कोई ब्रांच नहीं है मैडम. अगर प्रशांत आपका एम्प्लॉय नहीं था तो आप लोगों ने उसको फ्लैट कैसे बेच दिया? पता नहीं मैडम, मैंने 2 महीने पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया है. मे बी ही इज एन इंडिपेंडेंट एजेंट, नॉट श्योर. अपने एम्प्लॉइज को ये फोटो दिखाकर चेक करवा सकती हैं? एस? यस मैडम. चेक करो. ऑफिस में पूछो, ऐसे कोई जानता है क्या? ठीक है मैडम. मैडम मैं इसको जानता हूँ. तुम इसे जानते हो? कहाँ देखा है? मैडम पर्सनली तो नहीं जानता, हाँ लेकिन इसे ऑफिस में जरूर देखा है मैडम. Are you sure ये वही है? मैडम 100% sure. मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं जब कॉफी लेके जा रहा था तभी ये रिसेप्शन पे था. अपने मुंह से बबल गम निकाल के ये सीट के नीचे चिपका रहा था. मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसे बहुत सुनाया. उसके बाद ही उसने वो बबल गम डस्टबिन में फेंका. हमारी रिसेप्शनिस्ट ने हमें ये बताया कि वो हमारे बॉस से मिलने आया था. कुछ भी हो मैडम, उसने जो किया वो गलत था. ये बात रिसेप्शनिस्ट को भी पता है. यकीन न हो तो आप उससे भी पूछ सकती हैं. चलिए मैडम. थैंक यू. तुम्हारे बॉस गुप्ता यहाँ है क्या? सॉरी वो नहीं है. कब तक आएंगे? मुझे नहीं पता है मैडम. उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल सकते हैं क्या? मेरे पास नहीं है मैडम. प्रशांत की बॉडी डिस्पोज कर दी है, पर मनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. प्रशांत के परिवार से मनी के बारे में पूछा था, लेकिन उनका कहना है कि उसे कभी देखा नहीं, पर वो लोग फोन पर बात करते थे. थोड़ा और ट्राई करो ना किरण, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा. और वो पेंटर्स का क्या हुआ, उनसे पूछताछ की? उन्होंने एक ही लेयर पेंट किया था. प्रशांत ने ही उन्हें दूसरे दिन आके पेंट करने को कहा था. प्रशांत ने जहाँ सुसाइड किया उसके फ्लैट ओनर को कॉल किया था. उसने कहा कि प्रशांत ने ही उसे वो फ्लैट दिलवाया था, लेकिन गुप्ता बिल्डर्स की एम्प्लॉय लिस्ट में प्रशांत का नाम है ही नहीं. बट प्रशांत गुप्ता से मिला जरूर है, पर क्यों ये समझ के बाहर है. और गुप्ता के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कुछ तो गड़बड़ है. गुप्ता, ये कुछ बता सकता है? मैं सर से ऑफिशियल परमिशन लेती हूँ. ठीक है मैडम.
सर। बॉडी डिस्पोज हो गई? यस सर, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। तुम जा सकती हो। सर मुझे वो गुप्ता बिल्डर्स के मिस्टर गुप्ता को मिलने की परमिशन चाहिए थी। भला उससे क्यों मिलना चाहती हो तुम? सर प्रशांत उससे मिला था सर, तो अब मिस्टर गुप्ता से मिलके थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी सर। क्या प्रशांत सिर्फ पूरे दिन में गुप्ता से ही मिला था? वो तो बहुत लोगों से मिला होगा, फिर तुम उसी से क्यों मिलना चाहती हो? सही कहा सर, जितना मुझे पता चला है मिस्टर गुप्ता उस दिन प्रशांत से मिले थे सर, सो अगर आप मुझे उनसे मिलने की परमिशन देंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा सर। देखो ये जो रियल एस्टेट के लोग होते हैं ना, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को जानते हैं, अगर कल कुछ हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम जा सकती हो सर। गुप्ता का हमें एड्रेस मिल गया है, मैं आपको भेजता हूँ। परफेक्ट। क्या काम है मैडम? गुप्ता जी से मिलना था। आप कौन हैं? मैं इंद्रा हूँ, क्राइम ब्रांच से। किरण जी, इससे बात करके देखो, शायद कुछ हाथ लग जाए। ठीक है मैडम, आप अंदर जा सकती हैं। ओके। और बताओ क्या हालचाल है? कम इन। बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लाता हूं। थैंक यू। हेल्प योरसेल्फ। थैंक यू। क्या बात करनी थी आपको? आपके एम्प्लॉई प्रशांत के बारे में बात करनी थी। प्रशांत? कौन प्रशांत? दो दिन पहले आपके अपार्टमेंट में जिसने सुसाइड किया वो प्रशांत। उसका नाम प्रशांत था? अगर मेरा एम्प्लॉई होता तो मुझे पता चल जाता। आई डोंट थिंक वो मेरा एम्प्लॉई था। अगर प्रशांत आपका एम्प्लॉई नहीं था तो उसने आपके फ्लैट्स कैसे बेचे? क्या आपके पास उसकी कोई फोटो होगी? ये है वो। He was an independent broker. कमीशन के लिए ये मेरे फ्लैट बेचा करता था। ऑफिस भी आया था कमीशन लेने के लिए। पर इसने खुदकुशी क्यों की? वो तो उसी को पता था। तीन दिन हो गए हैं। ये आवाज, कोई रो रहा है क्या? वो मेरी पत्नी है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, प्लीज। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। कौन हो तुम? इंद्रा। पुलिस हो? जी हाँ। मैंने नहीं बुलाया। हमारी बेटी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो? प्लीज रानी, डोंट टच मी, डोंट टच मी। सुनो, You get out of my house. मैं जानती हूँ मेरी बेटी को कैसे बचाना है। You just get out. Please relax. कुछ नहीं हुआ। For heaven's sake, she is our daughter. Please. Our daughter. देखो सुनो, मेरी बात सुनो। सुना नहीं, get out. Get Daddy, out. Please. Please. Get out. देखो कुछ नहीं हुआ। Oh my God. Listen. किरण। मैडम। सर को आने को बोलो। ठीक है मैडम। और कहना यूनिफॉर्म पहन के ना आए। ठीक है मैडम।
मेरी बेटी किडनैप हो गई है। 5 दिन हो गए। क्या हुआ? कोई खास बात है क्या? अभी तक पता नहीं सर। सर, आपके साथ इतनी बड़ी बात हो गई, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? पांच दिन पहले हमें एक फोन कॉल आया था। फोन करने वाले ने बताया कि हमारी बेटी को किडनैप कर लिया है और फिर कॉल कट कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने हस्बैंड को फोन करने के लिए फोन उठाया, तभी मुझे दूसरा कॉल आया। उसने कहा उसे पैसे चाहिए, लेकिन कब, कहां, कितने चाहिए ये नहीं बताया। पुलिस को मत बताना ऐसी धमकी दी, और उसके बाद 2 दिनों तक उसने कोई कॉल नहीं किया। 3रे दिन फोन करके पूछा, पुलिस को इन्फॉर्म किया क्या? मैंने कहा नहीं। और फिर कल उसका फोन आया, उसने पैसे मांगे। कब, कहां और कितने चाहिए वो बाद में बताएगा ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। पहले दिन जब कॉल किया था तब किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी, मैं अच्छे से सुन पा रही थी। अब आप ही बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो पुलिस को बताते क्या? आखिर उसे पैसा ही तो चाहिए, कितने भी मांग ले, ये मेरी बेटी की जिंदगी से ज्यादा थोड़ी है। हम समझ सकते हैं सर, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम संभाल लेंगे। नो नो, ये सही नहीं लग रहा। पहले मेरी बेटी वापस आ जाए, पुलिस को नहीं बताना ऐसा कहा था उन्होंने, इसलिए मैंने अपने सारे नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया। ऐसे मुश्किल समय में किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। सर, जब तक आपकी बेटी नहीं आती, वी विल नॉट टेक एनी एक्शन। हम आपके साथ हैं, हर तरह से हम आपकी मदद करेंगे सर। मैडम, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कोई चाहिए था ना? यही है। हाय मैडम। इनका नाम डायमंड है। मैडम, फर्स्ट टाइम कॉल किया था ऑन 21st, इट वाज अ बैंगलोर नंबर। उसके बाद 22nd को किडनैपर ने और कोई कॉल नहीं किया था। 23rd एंड 24th देयर वर 2 मोर कॉल्स, एक मुंबई से था और दूसरा दिल्ली से। द प्रॉब्लम इज बोथ दिस नंबर्स आर हैक एंड द रीजन इज दैट दोनों नंबर का कॉल ड्यूरेशन 2 मिनट से ज्यादा का नहीं था। और वो 2 बैंगलोर नंबर्स? नंबर के ओनर्स को मैंने कस्टडी में लिया है, मैं उन्हें लेकर आता। किसने हैक किया है पता चल सकता है क्या? साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का काम है मैडम, हम कुछ नहीं कर सकते। कॉल रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं? मिल सकते हैं मैडम, बट इट इज गोइंग टू टेक 2 डेज। उसके लिए मुझे कमिश्नर ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में जितना जल्दी होगा आपको दे दूंगा। अगर अभी और कोई कॉल आया तो लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं? ट्रेस कर सकते हैं मैडम, बट एक्यूरेट लोकेशन पता नहीं चलेगी। वी कैन फाइंड द नियरेस्ट टावर एंड लेट यू नो। मैडम, इन लोगों के नंबर से कॉल आया था, कॉल वाले दिन ही इनका फोन चोरी हो गया था, सिम कार्ड ब्लॉक करके इन्होंने कंप्लेंट दर्ज की थी। कंप्लेंट कॉपी देने के बाद जा सकते हैं। ओके मैम। एनीवे, उनकी बेटी ऐश्वर्या का नंबर ट्रेस करो। ओके। उसके बाद उसके भी कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। श्योर। कुछ भी सस्पिशियस हो तो मुझे बताना। या मैम। हेलो, फोन आया था, 2 करोड़ मांग रहा था। उसने कहा कि पैसे तैयार रखना। तो आपने 2 करोड़ रुपए अरेंज कर लिए। तुम कॉल ट्रेस करो। श्योर। वाईफाई का पासवर्ड क्या है? टीवी के पास ही राउटर है। ओके। और राउटर के पीछे स्टिकर है। अपनी बेटी से आपने बात की क्या? नहीं मैडम, आप कॉल आए तो बोलना 2 करोड़ दे दूंगी, लेकिन एक बार बेटी से बात करवाओ, ऐसी रिक्वेस्ट करना। ओके। हेलो, हेलो, हेलो। कल सुबह 9 बजे तैयार रहना, फोन करूंगा।
एक मिनट सुनो, सारे पैसे रेडी हैं, 9 बजे हम भी रेडी रहेंगे, लेकिन प्लीज मिलने से पहले मुझे एक बार मेरी बेटी से बात करवा दो। पहला कॉल चेन्नई से था, दूसरा चंडीगढ़ से था। हेलो, तेरी बेटी मेरे पास है, पर अभी मैं उससे बात नहीं करवा सकता। कल मुझे 1 करोड़ देगी, तभी तेरी बेटी को देख सकेगी। उसके बाद बाकी के 1 करोड़ रुपए देके तू अपनी बेटी को वापस पा सकेगी। वो जो कह रहा है उसे फॉलो करो, पहले अपनी बेटी को देखना। आपको ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, इट्स गोइंग टू मेक थिंग्स वर्स। मेरी बेटी का किडनैप हुआ है, व्हाट कुड बी वर्स देन दैट। प्लीज इस केस में हमें बहुत केयरफुल रहना होगा सर। आपकी वाइफ को वहाँ भेजना ठीक नहीं होगा सर। सर, कल आपकी वाइफ को वहाँ अकेले भेजना सही नहीं होगा सर, वो भी इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं। उनकी जान को खतरा हो सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? हेलो, तैयार हो जाओ। हाँ, ओके। डायरेक्शंस को फॉलो करो, हर 2 मिनट में फोन कट जाएगा। स्ट्रेट चलते रहो, मैं बाद में फोन करता हूँ। स्ट्रेट लो। हेलो, अभी लेफ्ट लेके कार स्टॉप करो। हाँ। पैसे लेके गाड़ी से नीचे उतरो। ओके। फिर रोड क्रॉस कर लेना। कहाँ जाना है भैया? चर्च स्ट्रीट चलोगे? वहाँ ऑटो नहीं जाती, मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं आएगा बोला ना, उसे बोलो 2000 दूंगी। 2000 रुपए दूंगी? क्या कहा, 2000? सिर्फ चौक तक छोड़ूंगा, बैठ जाइए मैडम। यही उतरो। तुम्हारे पीछे पुरानी 800 मारुति खड़ी है, व्हाइट कलर, CND 6782, उसमें बैठ जाओ। ये गाड़ी तुम्हें चलानी होगी। नहीं तो मैं सिर्फ कैश लेकर आई हूँ। डोंट एक्ट स्मार्ट, सारे पैसे निकाल लो, बैग वहीं छोड़ो, तुम्हारा फोन भी छोड़ दो, गेट इनटू द कार। कार स्टार्ट करो। कार स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? पुरानी कार है मैडम, टाइम लगेगा स्टार्ट होने में, पर हो जाएगी। रिवर्स लेके सीधा रास्ता पकड़ो।
ने वही लड़की के साथ बताया क्या होता है? रेप होता है, सिर्फ एक ही नहीं करता, बहुत सारे करते हैं। कोई संकी अगर मिल गया ना तो वो जिंदा ही आंतड़ियां निकाल लेता है। So brutal. ये सब शायद तेरे साथ भी हो सकता है, हाँ? लेकिन मैं वैसा नहीं, तू अकेली है फिर भी तेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। You know why? क्योंकि तुम बहुत होशियार हो और मुझे होशियार लड़कियां पसंद हैं। तेरे लिए एक खास तोहफा है, इंतजार कर। बेटी कहाँ है? तुमने कहा था पैसे मिलते ही दिखाओगे मुझे। उसके लिए तो बेटी की माँ को आना चाहिए था। जरा गाड़ी को धक्का मारो तो। ये क्या चल रहा है? She seems to be under a lot of mental stress. Hypertension की वजह से heart attack भी हो सकता है, ये पता है ना आपको? Please take care of her. मैं चलता हूँ।
मेरी बेटी ऐश्वर्या ज्यादा बात नहीं करती, बट शी इज वेरी टैलेंटेड। ये सब उसने बनाया है? इंद्रा, सर अब हम क्या करें? सर आप ही बताइए ना। हम क्या करें? तुम भी ना मुझे केस दो बोलती रहती थी ना, अब देखो क्या हाल हो गया है। ऐसे किडनैप केस तो दो दिन में रफा दफा हो जाते हैं। पैसे दिए एक दिन पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली। उसे हम बचा सकते थे, लेकिन तुम्हारी होशियारी की वजह से सब कुछ हाथ से निकल गया। बट सर, तुम जरा चुप रहो। बेटी की मां जाती तो शायद बेटी को देख सकती थी। तुम्हें डिसमिस करने का मन कर रहा है। उस दिन तुम क्या कह रही थी? रिपोर्ट्स ही तो लिखनी होती हैं, जल्दी आकर क्या करूंगी? तुम पुलिस स्टेशन ही मत आओ, रिपोर्ट्स को घर ले जाओ और वहां अच्छे से बैठ के पढ़ती रहना। निकलो। इंद्रा, ये क्या, इतनी जल्दी घर क्यों आ गई तुम? काम नहीं है क्या? देखो, मुझे पता है कि तुम्हें कोई बात खाई जा रही है, लेकिन यहां बैठे रहने से भी कुछ नहीं होने वाला। व्हाट्स नेक्स्ट, उस पर ध्यान दो। लाइफ हैज टू गो ऑन। चीयर अप इंद्रा। वैसे एक बात बताऊं, मुझे एक नया टेलर मिल गया है, मुझे जाना ही होगा। लॉक कर देना, ठीक है? मैं चलती हूँ। मैडम, प्रशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इट्स अ सुसाइड। रिपोर्ट स्टेशन पहुंचा दी गई है। हेलो किरण। बोलिए मैडम। ये प्रशांत के दोस्त मनी के बारे में कुछ पता चला? नहीं मैडम। और भाई क्या बोली चमेली? पहले मना की फिर शुरू हो गई ना। सच में? मनी को जानते हो क्या? जानता हूँ। उसे लास्ट कब देखा? उसको जैसे ही जेब से निकालूंगा तो कोई भी बता देगा मनी कहाँ है। किसी मनी को जानती हो क्या? हाँ, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। आगे तरुण मैं आ रही हूँ। भैया। बोलिए मैडम। मनी नाम के आदमी को जानते हो क्या? मनी? नहीं मैडम, मैं नहीं जानता। चाचा, मनी नाम के किसी को जानते हो क्या? मनी मेरा पोता है। आपका पोता? हाँ जी। अभी वो कहाँ मिलेगा? अभी तो वो स्कूल गया है। स्कूल में? हाँ। किस लिए? वो पढ़ने के लिए जाता है मैडम, लेकिन पढ़ाई छोड़कर सब कुछ करता है।
उम्र क्या होगी मनी की? वो हाँ 9 साल का हो गया, घोड़े की तरह बढ़ गया, लेकिन दिमाग गधे जैसा है। एक और कॉफी दीजिए प्लीज। ओके मैडम। कोई इसे छोड़ गया है, कोई ढूंढने आए तो लौटा देना। ओके। कहाँ गई थी इतनी रात को, सोई नहीं क्या? ए रुक जाना, कहाँ जा रही है? भैया पूरी रात घर नहीं लौटी ये लड़की, मुझे कुछ बताती भी नहीं है और सोती भी नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं भैया। मैं उससे बात करता हूँ। Like hell. I am in hell. Let's play a game of chess. Come on. Indra? Indra? क्या सोच रही हो? मुझे नहीं पता। Tell me about it. एक लड़की किडनैप हो गई है और मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, but I messed up. She is just 23, Sam. तुम्हें पता है ना, पढ़ा होगा किडनैप हुई लड़कियों के साथ क्या होता है। मुझे उसे बचाने का एक मौका मिला था पर मुझे नहीं पता मैं क्या करूं अब। यू थिंक दैट यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट? आई डोंट थिंक, आई नो। क्या यही वजह है कि तुम रात को सो नहीं पा रही हो? इंद्रा पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ एक समान नहीं होती है, यू नीड टू फाइंड अ बैलेंस। ये बैलेंस नहीं होगा तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। चेकमेट। इट वाज इजी। देखा, ये गेम को जीतने के लिए तुम स्ट्रेटजी यूज करती हो ना, इस केस को सॉल्व करने के लिए भी ये स्ट्रेटजी यूज करो। ताऊ जी, ये खेल मैं आपके साथ खेल रही हूँ। आपके खेलने से पहले ही आगे की दो चालें जानती हूँ मैं, पर ये केस ऐसा नहीं है। मेरे सामने कौन खड़ा है, वो कौन है, आई हैव नो आइडिया। ये स्ट्रेटजी मैं कैसे यूज करूं? पता है चेस में राउंड रॉबिन नाम का एक खेल है, उसमें एक अकेला प्लेयर 6 लोग 6 अजनबियों के साथ ये खेल खेलता है। जस्ट इमेजिन यू आर प्लेइंग बट यू डोंट नो हु योर ओपोनेंट्स आर। पता है राउंड रॉबिन गेम को बहुत से प्लेयर्स ने जीता है। You are a player. Your opponents are invisible to you. You just observe their moves
and play round robin. इंद्रा क्या पढ़ रही है बेटा? ड्रैगन है ना ये तो? ड्रैगन नहीं है माँ, वृथ्रा नाम का असुर है। लेकिन मुझे तो ये ड्रैगन जैसा ही दिख रहा है। ड्रैगन की परिकल्पना का ये मूल अंश हो सकता है। ये देखो मुंह से आग उगल रहा है। ये जहाँ भी जाता है वहाँ अकाल और भुखमरी छा जाती है। हे मैं रात को वो बुक रख कर गई थी ना, जो टेबल पर मिली थी मुझे, वो है क्या? हाँ यहाँ है, आइए मेरे साथ। मुझे रात का सीसीटीवी फुटेज मिल सकता है? आप कौन है? ओके। कोई और एंगल है क्या? नहीं मैडम, यही एक फुटेज है। हेलो, बोलो डायमंड। हाँ मैडम, रैंसम कॉल रिकॉर्डिंग भेजी है, मेल किया है, प्लीज चेक कर लेना। ओके, थैंक यू। हेलो, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। व्हाट? कल सुबह 9 बजे पैसों के साथ तैयार रहना, मैं दोबारा कॉल करूंगा। रिकॉर्डिंग्स अच्छे से सुनी ना? डिफरेंस पता चला? दोनों आवाजें अलग हैं। हाँ तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि वो दो आदमी थे? क्या फर्क पड़ता है, फोन तो उसी ने किया होगा ना जिसने किडनैप किया है। नहीं मैडम, मुझे ऐसा नहीं लगता। दो लोगों ने कॉल किया था मैम, उसमें से पहले वाले ने जो पहला कॉल किया वो बैंगलोर से चोरी के फोन से किया था। मैडम आपने रिकॉर्डिंग सुनी ना, वो हकला रहा था। एंड द सेकंड वन, द मोर इंटेलिजेंट वन, फोन हैक करके कॉल कर रहा था। आपने अपने पैसे इस दूसरे आदमी को दिए हैं। हाँ, एक गैंग में दो आदमी हो सकते हैं, इसमें क्या है? एक ही गैंग का एक आदमी चोरी के फोन से फोन करता है और दूसरा हैक करके करता है। ये इसलिए ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। कंफ्यूज कर रहा है? नहीं सर, लगता है दो अलग अलग लोग हैं। किडनैपिंग के बारे में उसे पता होगा सर। अगर तुम्हारी बात नहीं सुनती तो मैं अपनी बेटी को देख पाती, अगर तुम्हारी बात सुनी तो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाऊंगी। चले जाओ। हाँ तो ये रिकॉर्डिंग तुम्हें कहां से मिली? ओह, ये टेलीकॉम वाले का काम है ना, लगता है उसे भी सस्पेंड करना पड़ेगा। सर प्लीज सर। अच्छा वो फाइल्स का क्या हुआ, रिपोर्ट्स बनाई क्या? जो काम दिया है पहले उसे पूरा करो, उसके बाद जाकर करमचंद जासूस बनना। देखो आज रात तक वो हाउस रॉबरी केस की फाइल पूरी हो जानी चाहिए। चलो अब जाओ, काम पूरा करो। मैडम कॉफी लाइए प्लीज। ओके। हेलो मैडम, इंस्पेक्टर हाउस रॉबरी केस की रिपोर्ट बन गई है क्या? वही कर रही हूँ, थोड़ी देर में भिजवाती हूँ। Thank you.
साथ कितने लोग थे? मैं और मेरे तीन साथी थे सर। नाम बताओ उनका। सर वेणु, मधु और डेविड थे सर। कैसे की चोरी? सर मैंने बताया ना सर, एक आदमी हमको फोन करता था सर। वो बताता था सर कि किस वक्त कौन घर में आता है और कौन घर से बाहर जाता है, किस घर में हम चोरी कर सकते हैं, वो हमको बताता था सर। उसके बाद हम जाके चोरी करते थे। कौन था वो जो तुम्हें फोन करता था? सर पता नहीं सर, हर बार वो नए नए नंबर से फोन करता था सर। इसमें उसका क्या फायदा होता था? हमने अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोल के एटीएम उसको दिया था सर। उसका हिस्सा जो भी होता था खाते में डाल देते थे। वो हर रोज अलग नंबर से कॉल करता था। जो ऑर्डर मैडम, हमको कैसे पता चलेगा सर? हमको तो ये भी नहीं मालूम कि वो कौन से शहर में रहता है। हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे जाने दीजिए। हेलो डायमंड, ये 8 घरों के इंटरनेट बिल एयर वॉइस के हैं। उनके मोबाइल नंबर किस नेटवर्क के हैं चेक कर सकते हो क्या? नंबर बताइए मैडम। 9488668319 0944365697। ये दोनों नंबर एयर वॉइस के हैं मैडम। मिसेस गुप्ता का भी फोन एयर वॉइस है ना? जी मैडम, इसीलिए तो मुझे एयर वॉइस वालों ने भेजा है। और उनका इंटरनेट कनेक्शन? वो भी एयर वॉइस का है मैडम। मतलब इन 8 घरों का बिल जो है, जहाँ पर चोरी हुई थी, ये सभी एक ही कंपनी के नेट यूजर्स थे। और वो जो नेटवर्क यूज करते हैं वो भी एयर वॉइस है। मिसेस गुप्ता वो भी एयर वॉइस है ना? जी एयर वॉइस है। ओके, सो अब वो जो पैसे के लिए रैंसम कॉल आया था चंडीगढ़ और चेन्नई से, वो नंबर किस नेटवर्क का है ये चेक करके बता सकते हो प्लीज? ये सारे नंबर एयर वॉइस के हैं मैडम। ओके, तो अभी मैं जो कहने जा रही हूँ वो सही भी हो सकता है और नहीं भी। मुझे लगता है एयर वॉइस के ही किसी एम्प्लॉई ने सारे फोन हैक करके फोन किया है, और हैक करके वो पता करता है कि घर वाले कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब घर के अंदर होंगे, ये सब जानने के बाद ही वो घरों में चोरी करता था। और हो सकता है मिस्टर गुप्ता के घर चोरी करने के लिए मिसेस गुप्ता का फोन नंबर हैक किया होगा, एंड आई थिंक तभी उसे उनकी बेटी का किडनैप हुआ है पता चला होगा, और इस चीज को जानने के बाद वो सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। उनकी बेटी को असल किडनैप करने वालों ने फोन क्यों नहीं किया? Maybe, ये काम किसी एक ही गैंग का हो मैडम। ये मिस्टर गुप्ता के घर और जहाँ चोरी हुई इन सब घरों में एक कॉमन बात हो सकती है। maybe the installation guy और कॉल सेंटर से फोन करने वाला, और maybe the service engineers, anything at all? नहीं मैम, अभी पॉसिबल नहीं है, कल पता करता हूँ। अभी क्यों नहीं जा सकते? मैडम इस वक्त कॉल सेंटर ही ओपन होंगे, वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कल ऑफिस जाने के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। ओके। यहाँ साइन कर, तेरे कपड़े देता हूँ। ध्यान से सुन, अभी चुपचाप अपने गांव चला जा, नहीं तो सारे पेंडिंग केसेस तुझ पर थोप के लंबे टाइम के लिए अंदर करा दूंगा। देखना ये कभी भी नहीं सुधरने वाला। हाँ माँ। आते वक्त आधा लीटर दूध लेकर आना बेटा। हाँ ले आऊंगी। हेलो
दे दिए हैं। तुमने कहा था तुम मेरी बेटी को दिखाओगे, लेकिन तुमने नहीं दिखाई। 1 करोड़ मैंने कब मांगे? 15 लाख दोगी तो तेरी बेटी वापस करूंगा। कौन है? हाँ, अरे बताओ। दे दूंगी। ये बताओ कि हम पैसे लेकर कहाँ हैं? 2 घंटे में मैजिस्ट्रिक बस स्टॉप पर पैसे लेकर पहुंचो। हाँ, लेकिन प्लीज। कौन है? सिर्फ एक बार मेरी बेटी से मेरी बात करवा दो। सब ठीक हो जाएगा। बोलो डायमंड। उनको दूसरा रैंसम कॉल आया है, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, चेक कर लीजिए। 15 लाख दो और अपनी बेटी को ले जाओ। ये तो फर्स्ट कॉलर की वॉइस लग रही है। जी मैडम। कौन से एरिया से किया था? 1 सेकंड चेक कर रहा हूँ मैम। न्यू टाउन मैडम। मैंने बोला था ना, कॉल करने वाले दोनों अलग हैं। हाँ। तुम मुझे वो डिटेल्स भिजवा सकते हो क्या? ओके मैडम। हेलो, तेरी बेटी यही मेरे पास है। उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, उसमें बात करने की ताकत नहीं है, मर जाएगी। ले, बात कर ले, बात कर, बात कर। हेलो आशु, आशु बात करो, आशु आशु प्लीज बात करो, आशु आशु। हेलो हेलो आशु, आशु पापा ही है। हेलो, बोला था ना वो बात करने की हालत में नहीं है, पैसे दो और उसे लेके जाओ। ओके ओके, हाँ मैं पैसे लेकर आता हूँ। ओके हेलो मैडम, फिर से फोन आया था उसी एरिया से, लड़की उसके साथ ही है ऐसा बोल रहा था। मैं जाके देखती हूँ। मनी नाम का कोई जेल में था क्या? पता नहीं मैडम, देखना पड़ेगा। ये मोबाइल चुराने वाले, पॉकेट मार, पेटी थीव्स, उनके रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं? हाँ मैं देखता हूँ। ओ कुंटा, असली नाम मनी है। कुंटा कुंटा बोलते बोलते हम उसका असली नाम भूल ही गए मैडम, इसे तो थोड़ी देर पहले ही रिलीज किया है। ये रहा रजिस्टर। सर, उस दिन बार के बाहर तुमने ही लफड़ा किया था ना? कुंटा को देखा है क्या? वो वहां गया है। लंगड़ाते हुए भागा है क्या? हाँ उधर गया है। Thank you.
लड़की कहाँ है? क्या किया लड़की के साथ? दो साल पहले मुझे माउथ कैंसर हो गया था, बीड़ी बहुत पीता था, इसलिए पीना छोड़ दिया। लेकिन अब बिना बीड़ी के ठीक से बात नहीं कर पा। लड़की के साथ तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब यहां से गया था तब वो यहीं थी, इधर ही बांध के गया था। उसमें तो चलने की भी शक्ति नहीं थी। किडनैपिंग में कितने लोग शामिल थे? कैसे किया? मुझे नहीं पता कैसे किया। मेरे दोस्त प्रशांत ने किया था। मैं तो सिर्फ ध्यान दे। उसने बोला था इसको छोड़ने पर 15 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, इसीलिए किया। बार में प्रशांत को पहचानने से मना क्यों किया? प्रशांत ने सुसाइड क्यों किया? पता नहीं, उसकी मौत के बारे में उसके घर वालों से पता चला था। वो लड़की यहीं पर थी। मुझे तो 15 लाख मिलने वाले थे, इसीलिए फोन किया था। मान भी गए थे। तुमने आज कॉल किया, इतने दिन से कौन फोन कर रहा था? मुझे नहीं पता, जुर्म किसी और ने किया, सजा मुझे दे दी गई। आज ही निकला हूं, सोचा लड़की को छोड़ देता हूं और उसके घर वालों से पैसे लेके उसे भेज दूंगा। किसको भेजेगा? लड़की कहां है? वो यहीं थी, बांध के क्या था, आपने खुद ही देखा मैडम, दरवाजा खुला हुआ था। किरण, मनी मिल गया है। उसने बोला कि लड़की उसके पास थी लेकिन अब नहीं है। मनी के घर पर खून के निशान भी हैं। उसे चेक करवाओ, फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो, ये सब सर को भी बता दो। मैं लोकेशन भेज रही हूँ, तुम आ जाओ। मैडम, मैंने चेक किया, ये 8 घरों में और गुप्ता जी के घर में वाईफाई इंस्टॉल करने वाला एक ही आदमी है, और वही आदमी कस्टमर केयर में भी काम करता है। 1 हफ्ते पहले ही उसने कंपनी छोड़ी है। मैडम, यही घर है, पड़ोस में पूछा तो पता चला, वो लोग कहीं बाहर गए हैं। इस सारे ड्रामा का डायरेक्टर यही है। को पता है लड़की को मेरे दोस्त प्रशांत ने ही किडनैप किया था, लेकिन उसे किसने करने को बोला था पता है क्या? किसने? उसके बाप ने। इसके बारे में मैंने उस लड़की को सुबह ही बता दिया था। पता है क्यों? वो लड़की पापा आएंगे बार बार बोल रही थी, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए सच बोल दिया। उसने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता मैडम, मुझे नहीं पता। मेरे अपार्टमेंट में ही प्रशांत ने सुसाइड किया।
इस बिल्डिंग के 80% फ्लैट अभी तक खाली है, कोई खरीद ही नहीं रहा था। मेरे हाथ से पैसे पानी की तरह बह रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक बड़ी लैंड है, मैं उसको बेच के इन अपार्टमेंट से हुए लॉस को कॉम्पेंसेट करना चाहता था। 2 साल पहले गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई, सारे सूखे हुए तालाब को रिजुविनेट करने का ऐलान किया। जब लोगों को पता चला कि मेरी लैंड भी सूखा तालाब था, कोई उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। आई वॉज डेस्परेट, इसलिए मैंने खुद ही उस जमीन पर बिल्डिंग बनाने का फैसला किया। आई हैड इन्वेस्टर्स, लेकिन इस एरिया के एमएलए ने, बीएमसी के अधिकारियों ने मुझे परमिशन नहीं दी। बहुत कोशिश की, परमिशन के लिए 50% प्रोजेक्ट की मांग कमीशन के तौर पर की गई मुझसे, कहां से देता मैं? अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी यूज किए, बट नथिंग वर्क्ड। फिर मैंने सोचा अगर मैं ही एमएलए बन गया तो आई विल हैव द पावर, आई वॉन्टेड टू फ्लोट एन इंडिपेंडेंट पार्टी, लेकिन जनता को मैं कौन हूं ये पता नहीं है। मेरी कंपनी का नाम जानते हैं, गुप्ता बिल्डर्स, मुझे नहीं जानते, मेरे चेहरे को नहीं जानते। मैंने बहुत से चैरिटी प्रोग्राम्स, सोशल सर्विस, बच्चों को बुक्स देना, ये सब किया मैंने, लेकिन जनता को मुझसे सहानुभूति नहीं हुई, जरा भी नहीं पहचाना। टू विन आई हैव टू बी द सेंसेशन। आने वाले 2 दिनों में ये खबर मीडिया में फैल जाएगी, न्यूज़पेपर में छपेगी, टीवी पर बात होगी, उसके बाद ही मेरी बेटी ऐशु वेलकम बैक टू मी। और जब वो वापस आएगी तब सब पूछेंगे कि किसने किया था, तो कहीं पर भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुम सरेंडर करोगे, इल्जाम अपने सर लोगे, अगर कोई पूछे तो बोल देना कि इस एरिया के एमएलए शिव कुमार ने ऐसा करने को कहा था इसलिए किया, समझे? सर आप मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? अगर मुझे जेल हुई तो आप मुझे बाहर निकालोगे ना? मैं आपको अच्छे से जानता हूँ सर, जरा सोच के देखो, मेरा फोटो हर अखबार में होगा, मैं गुनहगार बन जाऊंगा, और इतना ही नहीं, मेरे माँ बाप को लोग गलत नजर से देखेंगे, इस गुनाह में उनकी क्या गलती सर? अगर मैं एमएलए पर किडनैप करने का इल्जाम लगाऊंगा तो वो मुझे छोड़ेगा क्या सर? ऐसे हर रोज डर डर के जीने से तो अच्छा है मैं अपनी जान ही ले लूं, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। अब आप अपनी बेटी को खुद ही ढूंढ लेना सर। हाँ मैडम, ब्लड सैंपल चेक किया है, ये ऐश्वर्या के ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है। डीएनए रिपोर्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा मैडम, पर इंस्पेक्टर को खबर मिल गई है, वो गुप्ता के घर जा रहे हैं। Keep me posted. ठीक है मैडम। आपकी बेटी को जहां रखा था वो जगह मिल गई, लेकिन वो नहीं, सिर्फ उसका खून मिला है, बस कुछ पैसे और थोड़े नाम के लिए आपने अपनी ही बेटी को। आप सच में बहुत गिरे हुए आदमी हैं। मैडम, मैडम ये वही आदमी है, मुझे तो डाउट है, ये तो एकदम सीधा दिख रहा है। मुझे नहीं लगता इसके पास 1 करोड़ मिलेंगे। ओ इंदिरा मैडम, आइए आइए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू, प्लीज प्लीज आइए ना।
सॉरी, ये सब मेरी बेटी का काम है, अभी समेट लेता हूँ। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता चला? लेट मी गेस, एयरवॉइस, आठ घरों की चोरी, इन सब घरों का सर्विस इंजीनियर मैं ही था। पुलिस भी इतना दिमाग लगा सकती है पता नहीं था, नॉट बैड। जाने दीजिए, बताइए क्या लेंगे आप, कॉफी टी? ओके टी, बाय द वे आई मेक ग्रेट टी। आजकल पैसे बनाना मुश्किल नहीं है, इंसान को सिर्फ आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है, इट्स वेरी इजी। पैसों के बिना एक आदमी की जिंदगी कितनी असहायक होती है पता है क्या? इसीलिए मैंने डिसाइड किया मैं छीन के जीऊंगा। लेकिन मैंने चोरी की भी तो किसके घर की? वो सब के सब जहरीले नाग हैं, जब भी सांस लेते थे सूखा पड़ जाता है। पता है उनमें से हर एक आदमी वृत्रासुर है। आपको शायद दिखाई ना दे, पर मेरी नजर से देखोगे तभी समझ में आएगा। ड्रैगन नहीं है मां, वृत्रा नाम का असुर है। वो मैं था, मगर वो तो राक्षस है। पैसे और नाम के लिए अपनी ही बेटी को अगवा करने वाले को अगर मैंने लूट लिया तो क्या बुरा किया मैडम? पर ये सब करके किसका फायदा हुआ है? जब आप मेरा बाहर वेट कर रही थी ना, वहां एक डिलीवरी बॉय भी था, शायद आपने देखा होगा। सेवेंथ क्रॉस बिल्डर के घर में रॉबरी से उस डिलीवरी बॉय ने बाइक खरीदी और उस बाइक से उसे नौकरी मिली और उसकी लाइफ सेटल हो गई। किसी ने टेलरिंग मशीन खरीदी, किसी के घर में गोद भराई हुई, वो भी बिना टेंशन के। मुझे अपनी बीवी के गिरवी जेवर छुड़वाने थे, नहीं करवा पाया। अगर वापस ले आता तो खुश हो जाती, लेकिन पूछती कि पैसे कहां से आए तो क्या जवाब देता मैं? आई एम श्योर शी वुड नॉट बी हैप्पी टू नो वेयर दिस मनी केम फ्रॉम। वो नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा था ना मैडम। तुम जाओ, मैं टैक्सी करके आ जाऊंगी। ओके मैडम। मां, बचपन से ही मैं हमेशा कुछ नया सीखना चाहती थी, क्राइम केसेस को सॉल्व करना चाहती थी, क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहती थी, बस यही करना चाहती थी। और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं क्राइम ब्रांच में आई, बट आई डोंट नो मां, आई एम नॉट हैप्पी एनीथिंग, एंड मैं जो कुछ कर रही हूँ ये वो नहीं है। लेकिन एक बात सीखी है, केसेस को सॉल्व करने के लिए, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए आई डोंट हैव टू बी अ कॉप। हे हे, कुछ उल्टा सीधा मत सोचो, मुझे तो पता भी नहीं ये लड़की कौन है। जब सबके फोन हैक कर रहा था तभी मैंने इसकी मम्मी का फोन हैक किया, तब मुझे पता चला ये लड़की किडनैप हो गई है। टक से मुझे एक आइडिया आया, पैसे बनाने का रास्ता मिला। वो तुम थी जिसने मुझे 1 करोड़ दिए, तुम्हारे लिए तो मैं एक अपराधी जैसा हूं। लेकिन मैडम, मेरी भी एक अंतरात्मा है। इस लड़की की मुझे चिंता होने लगी, जैसे तुम इस लड़की की तलाश में भटक रही थी वैसे ही मैं भी इसे ढूंढ रहा था। आई जस्ट टर्न्ड आउट टू बी अ लिटिल स्मार्टर देन यू। तुम्हारे वहां पहुंचने से 2 घंटे पहले ही मैं वहां पहुंच गया। मैं डैड से बहुत क्लोज थी,
और मेरी मॉम, मैंने बहुत कम टाइम बिताया उनके साथ। डैड ने कभी भी मुझे किसी बात के लिए मना नहीं किया और मैं भी कभी भी उनके खिलाफ नहीं गई। इनफैक्ट हमारे बिजनेस में हेल्प करने के लिए मैंने फॉरेन जाके डिग्री ली। मुझे लगा मेरे पापा परफेक्ट हैं। He was my ideal. झूठ, सब झूठ था। मेरी पूरी जिंदगी झूठ थी। जब दिल पे गहरी चोट लगती है तो कभी भरी नहीं जा सकती, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मुझे इसके साथ जीना होगा। अब मुझे खुद को ढूंढना होगा, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना है। आई वॉन्ट टू परस्यू वॉट आई लव। ये रहे पैसे और ये रहा मैं। गो अहेड, डू योर ड्यूटी। अपने स्वार्थ के लिए ये सब करके अब अपने आप को अच्छा बता रहे हो? तुम्हें जरा भी नहीं लगा कि तुमने जो किया है वो गलत है? क्या सही क्या गलत, स्वार्थ मनुष्य के स्वभाव में है। जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, तब वो अपने बच्चे को मुस्कुराते देखने का स्वार्थ रखती है। ऐसा कुछ नहीं जिसमें स्वार्थ नहीं, लेकिन लोग अलग होते हैं। किसी के स्वार्थ से किसी का भला होता है, किसी के स्वार्थ से किसी का नाश होता है। लेकिन अगर मेरे स्वार्थ से किसी का भला होता है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। बिना मतलब के गिल्टी फील करना मेरा स्वभाव नहीं। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। जो आपको सही लगे आप कीजिए। तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो रहा है? तुम कसूरवार हो तुम्हें नहीं लगता ना? तो फिर इतनी सफाई क्यों दे रहे हो तुम? तुम अच्छे से जानते हो क्या सही है और क्या गलत। मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूं। तुम्हें पता है एक कहावत है, कर्मा इज अ इट्स अ बूमरैंग। गुड लक। तुमने गुप्ता के साथ क्या किया? वो पागल हो रहा है। मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। छे। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए सर, एक कॉपी कमिश्नर ऑफिस में भेज दी है। क्या ये तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक केस हैंडल नहीं कर पाई बस इसीलिए रिजाइन कर रही हो? ये क्या बच्चों की जैसी हरकत कर रही हो? डिपार्टमेंट में नौकरी पता है कितनी मुश्किल से मिलती है? लोग हाथ में आए अवसर को पकड़ कर रखते हैं और एक तुम हो की